इन्फिनिक्स का नोट 40 सीरीज ग्लोबल मार्केट में तो लॉन्च हो चुका है और इंडिया में भी ये फोन बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। फ्लिपकार्ट में इसका टीजर आ चुका है और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में भी इसका टीजर आ चुका है। इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज में दो फोन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, एक जो है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G और दूसरा है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस। आज इस वीडियो में इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। ये फोन कब इंडिया में लॉन्च होगा, इसका प्राइस कितना होगा और इसका एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग वीडियो इसी चैनल में आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके डिजाइन के बारे में। इसका फर्स्ट लुक देख लो यार, फोन का डिजाइन मस्त रखा है, फोन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये फोन टोटल दो वेरिएंट में आएगा, एक जो है ग्लास बैक, दूसरा जो है लेदर बैक। लेदर बैक फोन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आप विदाउट बैक केस में फोन को आराम से यूज कर सकते हो, हाथों में प्रीमियम फील होता है और गलती से अगर गिर जाता है तो बैक पैनल टूटता नहीं है। इवन इसके पीछे में ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ एक LED फ्लैश लाइट है जो रिंग शेप में आता है। इवन इसके डिजाइन को और भी बेहतरीन करने के लिए इसमें कर्व डिस्प्ले है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बैक पैनल दबता नहीं है और इसमें IP53 का रेटिंग है। सिक्योरिटी के लिए इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। नो डाउट इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का जो डिजाइन है ना वो सबको पसंद आएगा। इवन इसका डिस्प्ले भी जबरदस्त है, साइज भी बड़ा रखा है 6.78 इंच। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एक AMOLED पैनल है जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, इसको आप आराम से आउटडोर में यूज कर सकते हो। इवन आप यूट्यूब पर जब वीडियो देखोगे ना, वीडियो में जो कलर कॉन्ट्रास्ट और डिटेलिंग आने वाला है वो मस्त है। बाकी इंटरटेनमेंट की मजा को और भी बेहतरीन करने के लिए इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर है और JBL ट्यूनिंग के साथ आता है। साउंड क्वालिटी भी इसमें मस्त मिलेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी भी इसमें तगड़ा रहने वाला है। इसमें 13 बैंड्स 5G है, सारे इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स का सपोर्ट है। इस फोन में आप चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे। डुअल माइक है जो नॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से कैंसिलिंग कर लेगा, लेकिन इस फोन में 3.5 ऑडियो जैक नहीं है और आप SD कार्ड को यूज नहीं कर पाओगे। अच्छी बात तो इसमें एंड्रॉइड 14 के साथ XOS 14 है और तो इसमें 2 साल की एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल की सिक्योरिट पैच अपडेट मिलेगा। इवन इस फोन को शक्ति देने के लिए Dimensity 7020 चिपसेट रहेगा जो कि 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है और इसके बेस वेरिएंट स्टार्ट होगा 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। LPDDR4X का रैम होगा और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप होगा। देखो भाई प्रोसेसर अच्छा है, डे टू लाइफ यूज में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अब BGMI जैसा गेम 40 FPS में खेल सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है फोन का प्राइस जितना होने वाला है उसके हिसाब से प्रोसेसर और थोड़ा बेहतर देना चाहिए था इन्फिनिक्स को। बाकी इसका कैमरा भी अच्छा रहेगा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जिसमें वॉइस मिलेगा, 22 करके दो सेंसर है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। दोनों कैमरा से आप शानदार फोटो ले पाओगे, लेकिन इस बार बैटरी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने वाला है इन्फिनिक्स क्योंकि 5000 mAh बैटरी के साथ इनबॉक्स आने वाला है, 45W का वायर चार्जर और इंटरेस्टिंग बात है इस फोन में 20W का वायरलेस चार्जिंग मिलेगा और फोन की जो प्राइस रहने वाला है under 20,000 rupees, क्योंकि 20,000 rupees में ये पहला फोन होगा जो वायरलेस चार्जिंग के साथ आने वाला है। उसी के साथ इसमें रिवर्स चार्जिंग अदर्स फीचर्स भी आपको मिल ही जाएगा। तो फोन की प्राइस पॉइंट की तरफ देखा जाए फोन में प्रोसेसर छोड़कर सारे स्पेसिफिकेशन जबरदस्त मिलता है। और बात रही लॉन्च डेट के बारे में, भाई इसका टीजर वगैरह आ चुका है क्योंकि अगले 7-8 दिनों के अंदर ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसका कंफर्म लॉन्च डेट पता नहीं है, फिर भी जो लीक्स आ रहा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये फोन लॉन्च हो सकता है, ऐसे कुछ लीक्स आ रहा है। मुझे तो नहीं लगता है इन्फिनिक्स इतना लेट करेगा, फिर भी क्या होगा देखा जाएगा। जब ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा इसका एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग वीडियो इसी चैनल में मिलेगा। भाई अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे चैनल विजिट कर सकते हो, इतना सारा फोन इंडिया में लॉन्च होता है सभी फोन का मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो ये तो था पूरी इन्फॉर्मेशन इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है ना, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हो सके तो ये वीडियो आपके रिश्तेदार और दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, उसको भी पता चलेगा इन्फिनिक्स 20,000 rupees के आसपास में खतरनाक फोन को लॉन्च करने वाला है।